जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है IIT JEE एडवांस का 2022 का क्वेश्चन है। अभी आपका मेंस का एग्जाम हुआ है, अप्रैल के आसपास आपका JEE एडवांस का एग्जाम होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। और अगर पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। दिस क्वेश्चन इज रिलेट टू द फिजिक्स से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। चलिए। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द पोजिशन एज एफ इजकल टू -KXi कैप प्लस YJ कैप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ के इजकल टू 1 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि एक मास है जिसकी वैल्यू कितना है, 1 किलोग्राम है। इस पर एक फोर्स लग रहा है F, और यह फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है। दिस फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, और जैसे जैसे हम एक्स वाई की वैल्यूज बदलते जाएंगे वैसे वैसे पोजीशंस क्या, फोर्स की वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होती चली जाएंगी। सो दिस डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। तो एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स एक मास पर अप्लाई हो रहा है, यहां तक की बात हम लोग कर चुके। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल्स पोजीशन आर इज इक्वल टू दिस एंड इट्स वेलोसिटी वी इज इक्वल टू दिस। लेट वी एक्स एंड वी वाई डिनोट्स द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। इग्नोर ग्रेविटी। व्हेन जेड इज इक्वल टू 0.5 मीटर द वैल्यू ऑफ एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स इज, और यहां पे हमें उसकी वैल्यू को बताना है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यह हुआ कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल था उसका पोजिशन सपोज करते हैं कहां पे था, यहां पे आर इक्वल टू लाइक दिस, दिस इज अंडर 1/√2 एंड दिस इज √2। और इसके वेलोसिटी क्या थी, सपोज दैट वेलोसिटी इज लाइक दिस, इधर आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी थी टी इक्वल टू 0 पर। ओके, सो वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ दिस पैरेंथेसिस क्वांटिटी दैट इज एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स इज। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे वैल्यूज, तो तुरंत हम बता देंगे एक मिनट के अंदर। द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज जस्ट यू मे टेल विद इन 1 मिनट, लेकिन हम लोग इस प्रोसेस को समझेंगे कि ये आपको दिया गया क्या गया है, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। इस सॉल्यूशंस में एनालिटिकल मेथड यूज होगा, डायग्राम का कोई काम नहीं है, वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल मेथड। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर आपका सपोज करते हैं कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पहले हम लोग देख लें कि ये क्वांटिटी क्या बता रही है, ये क्वांटिटी कहां से आती है क्या चीज ये दिया गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं। एक्स आई कैप, तो सपोज करते हैं पार्टिकल का पोजीशन क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और पार्टिकल की वेलोसिटी कितना है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। और सपोज करते हैं मास कितना है, मास इज इक्वल टू एम, तो मोमेंटम कितना होगा, लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वेक्टर बी। सो एम और एम हम लोग क्या करेंगे, वी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, एम वी एक्स आई कैप प्लस एम वी वाई जे कैप प्लस एम वी जेड के कैप। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू वेक्टर एल इज इक्वल टू आर क्रॉस ऑफ पी। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई जे के कैप का एक डिटर्मिनेंट परफॉर्म करते हैं। सो डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। आर का सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, और पी का हम लोग क्या पुट करेंगे, एम वी एक्स एम वी वाई एम वी जेड। ओके, अब सबसे पहले हमें इसको क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, तो आई कैप हम लोग सबसे पहले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा आई कैप,
अब हम लोग ये वाला रो और ये वाला कॉलम को इग्नोर करेंगे तो क्या बचा, y into this and z into this. So y into this क्या हो जाएगा, m y v z minus m z v y, m z v y. उसके बाद माइनस जे कैप, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है, तो माइनस जे कैप. फिर क्या हो जाएगा, ये वाला रो हम लोग कैंसिल करेंगे और ये वाला कॉलम इग्नोर करेंगे, तो दिस क्वांटिटी विल मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड माइनस दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस. सो वी हैव एक्स एम एक्स वी जेड माइनस एम जेड वी एक्स. ओके, देन थर्ड के कैप प्लस के कैप के साथ क्या आ जाएगा, ये वाला कॉलम इग्नोर करेंगे और ये वाली रो इग्नोर करेंगे, तो क्या बचेगा, दिस माइनस दिस. सो एक्स देखिएगा एम एक्स वी वाई, तो यहां हम लोग क्या पुट करेंगे, एम एक्स वी वाई माइनस एम वाई वी एक्स, एम वाई वी एक्स. ओके, सो अब देखिए यहां पे हम लोग एम कॉमन ले लेंगे सब में, तो क्या आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कंपोनेंट को फोकस करेंगे. यहां पे देखिएगा, यहां पे एम कॉमन ले लीजिए, एम क्या बचा अंदर, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स इंटू के कैप. अदर पे भी हम लोग एम कॉमन ले लेंगे, तो वाई वी जेड माइनस जेड वी वाई एंड लाइक दिस. ओके, अब यहां पे देखिए ये हमें क्या दी गई, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, और हम क्या लेके आ गए यहां पे, के कंपोनेंट एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, सेम क्वांटिटी. और अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम में मास के प्लेस पे वन पुट कर दें, सो इसका अगर हम लोग के कंपोनेंट की बात करें तो, और मास वन हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स दिस. और इससे की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब क्वेश्चन ने आपको पूरा डेटा दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द केएथ कंपोनेंट, केएथ कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमसे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, केएथ कंपोनेंट की वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग अब यहां पे पुट करना चाहेंगे. चलिए एक्स क्या है, यहां पे देखिए पोजीशन ये है ना, पोजीशन का एक्स कितना है, वन अपॉन अंडर रूट टू, तो एक्स के प्लेस पे वन अपॉन अंडर रूट टू पुट करिए. चलिए वन अपॉन अंडर रूट टू कहां पे, एक्स के प्लेस पे. वी वाई के प्लेस पे क्या पुट होगा, ये वी वाई के प्लेस पे अंडर रूट टू पुट होगा. यहां देखिए वेलोसिटी है ना, तो वी एक्स वी वाई वी जेड, तो वी वाई के प्लेस पे कितना है, अंडर रूट टू. सो यहां पे अंडर रूट टू पुट होगा, तो x के प्लेस पे वन अपॉन अंडर रूट टू, वी वाई के प्लेस पे अंडर रूट टू, माइनस y के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, अंडर रूट टू, और y के प्लेस पे अंडर रूट टू आ जाएगा. वी एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, वी एक्स वी वाई वी जेड, तो वी एक्स के प्लेस पे माइनस अंडर रूट टू. सो हियर माइनस अंडर रूट टू, तो अब क्या आ जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट टू से वन अपॉन अंडर रूट टू कैंसिल, कितना बचा वन, और ये देखिए माइनस यहां माइनस यहां, तो माइनस माइनस प्लस, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू कितना हो जाएगा, टू. सो टू प्लस वन थ्री. सो द केथ कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज थ्री. तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, एल के इजकल टू थ्री, और ये क्या है, तो यहां पे कितनी वैल्यू आ गई, थ्री मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो आंसर विल बी थ्री. तो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर विल बी कितना हो जाएगा, थ्री. तो आपको ये डेराइव करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में बस आपको क्या करना है, यहां से जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू उठा के आपको पुट कर देना है. मुझे लगता है कि 20 सेकंड के अंदर आपका काम हो जाएगा, विद इन 20 सेकेंड्स. तो ये पूरा था हमारा क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन. दिस क्वेश्चन वॉज कम्स इन द IIT JEE एडवांस. चलिए मिलते हैं आपसे अब अगले क्वेश्चन के साथ, और नया क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और नए तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे. चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, चलते हैं. जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी. थैंक यू.